स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट वन और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज इसमें लेक्चर टू है। हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के हवाले से बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। इन पे हमने कुछ चैप्टर्स पे बात की थी। पहले उन पे देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास था चैप्टर नंबर वन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, नंबर टू सोल ट्रेडरशिप, नंबर थ्री पार्टनरशिप, नंबर फोर जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम इसे आगे देखते हैं कि अब मजीद जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्वेश्चन नंबर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चैप्टर नंबर फाइव में से हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स की, जो है बिजनेस कम्बिनेशन। यह भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन बिजनेस कम्बिनेशन, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज बिजनेस कम्बिनेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। और क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज बिजनेस कम्बिनेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर सेवन आता है वो है मार्केटिंग। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हमेशा इसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपको मिलेंगे। तो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट डू यू नो अबाउट मार्केटिंग, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर टू ब्रीफली डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर प्रमोटिंग द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस इन ब्रीफ द चैनल ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफाइन मार्केटिंग, व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग, डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन थे जो कि मार्केटिंग में से आने के चांसेस हमेशा होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर एट है हमारे पास बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन मेरीन इंश्योरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज इंश्योरेंस, डिस्कस द मेन एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर फोर प्रोवाइड कवर अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच बिजनेस रिस्क। क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज इंश्योरेंस, डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो ये चैप्टर नंबर एट था जिसमें से हमने देखा कि सिक्स क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चैप्टर नंबर नाइन आता है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, डज इट रियली प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आता है और यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से हमें मिलता है। इसके बाद चैप्टर नंबर टेन है ई कॉमर्स। इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर नोट इसमें से आता है। तो क्वेश्चन जो इसमें से पॉसिबल है आने का वो एक ही है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, डिस्कस इट्स रोल इन टूडेज बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10 चैप्टर्स थे जिनमें हमने देखा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर हम इनको तैयार कर ले तो इससे हम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं।